आज मैं बात करूंगा गेनिंग के बारे में, गेन कैसे करते हैं और जो हार्ड गेनर्स हैं जिनका गेन मुश्किल से होता है उनके लिए कुछ टिप्स दूंगा जो वो इम्प्लीमेंट करके बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है, सो गेनिंग इज ऑल अबाउट, आप जब डाइट ले रहे हो तो आप कैलरी सरप्लस में ले रहे हो, उसके बाद काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं इसमें, आपकी रेस्टिंग हो गई, आपका वर्कआउट हो गया, ये सब चीज़ों का आज मैं डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये है, आपने जब आप जिम ज्वाइन करते हो, कोई भी बंदा करता है, तो वो जो ज़्यादा अंडरवेट है ना वो जिम ज्वाइन करने से डरता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, सो देखो कहीं पे तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ही, अगर आप आज नहीं करोगे आप कल करोगे, तंग आके करोगे, बट आपको करना पड़ेगा स्टिल। ठीक है, सो आपको स्टेप उठाना पड़ेगा, आप स्टेप उठाओ और आप जिम जाओ, जिम करना शुरू करो। ठीक है, उसके बाद आपको धीरे धीरे आपको काफ़ी चीज़ें पता लगेंगी, उन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे आप, धीरे धीरे सीखोगे तो आप बेटर होते जाओगे। ठीक है, सो आज उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूंगा, आप कौन कौन सी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपकी गेमिंग जर्नी के में। ठीक है, सो सबसे पहले आ जाती है बात डाइट की, क्योंकि सबको पता है हमने जब डाइट करनी है गेमिंग के लिए तो हमने कैलोरी सरप्लस में जाना है। ठीक है, सो जो बिगिनर बंदा है, ठीक है, उसको भूख लग रही है बट वो कम खा रहा है, लेट से एक ऐसा बंदा ले लेते हैं जिसका जो शुरू से ही पतला है, ठीक है, जो एक्टोमोर्फ कह रहते हैं जिसको हम, जिसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, तो उनको भूख लगती है बट उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी बॉडी नॉर्मल स्टेट में ही ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेती है। ठीक है, सो उनके लिए क्या बढ़िया होता है, उनको कैलोरी डेंस फूड्स लेने चाहिए। ठीक है, आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो इतना ज़रूरी नहीं है, आप पूरा मेजरमेंट करके आपके BMR के अकॉर्डिंगली कैलोरीज लेनी शुरू कर दोगे। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में पहले लेट से कि आप 2000 कैलोरीज ले रहे हो, आपको नहीं पता आप 2000 ले रहे हो बट ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 2000 के करीब कैलोरीज ले रहे हो, अगर आप उनको 2200 2500 भी करोगे, मतलब पहले से थोड़ा ज़्यादा खाना शुरू करोगे, कुछ आपको मैं फूड्स के बारे में बता देता हूँ, तो आप गेन करोगे। ठीक है, जैसे कार्ब्स हो गए, ठीक है, कार्ब्स जो होते हैं वो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, सो आपने उसका ध्यान रखना है, आपने कार्ब्स थोड़े ज़्यादा लेने हैं, पहले से ज़्यादा लेने हैं ताकि आप एनर्जेटिक फील करो और आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी हो, आपके जो मसल ग्लाइकोजन है, आपका जो बॉडी में ग्लाइकोजन है वो अच्छी तरह से फिल आउट हो, तो उसके बाद कैलोरीज जो हैं आपकी वो रिकवरी के लिए यूज़ होंगी। ठीक है, देन आ जाता है फैट्स। फैट्स एक बहुत अच्छा, कह लो भी हम डरते हैं फैट से, यार फैट है तो हमें मोटा कर देगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, बट ब्रदर यस सिस्टर्स, उनकी ऐसा कुछ नहीं होता कि फैट आपको मोटा करता है। ठीक है, इट डजंट वर्क लाइक दैट, आपको पता होना चाहिए कि आप फैट क्यों ले रहे हो। ठीक है, दो तरह के फैट्स होते हैं, गुड फैट्स और बैड फैट्स, आपने गुड फैट की तरफ जाना है। फैट का बेनिफिट ये होता है, ये कैलोरी डेंस होते हैं। ठीक है, लेट से आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आप 1 ग्राम अगर कार्ब्स खा रहे हो तो उसमें आपको 4 कैलोरीज मिलेंगी, 1 ग्राम आप प्रोटीन ले रहे हो तो उसमें आपको 4 कैलोरीज मिलेंगी, बट व्हेन इट कम्स टू फैट्स, फैट्स में आपको पर ग्राम के हिसाब से 9 कैलोरीज मिलती हैं। ठीक है, 9 कैलोरीज मिलती हैं, तो वहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, मतलब आप कम क्वांटिटी में ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करोगे, वो डाइजेस्ट होनी आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा क्योंकि आप लिक्विड फॉर्म में करोगे जब मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, जैसे आप घी ऐड कर सकते हो, तेल ऐड कर सकते हो, ये सब आपका फैट में ही आ जाता है, जो बहुत ज़्यादा स्किनी है मैं उनको कह रहा हूँ। ठीक है, बेसिक आपने जो देखना है पहले वो देखना है कि आप डाइट के थ्रू कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, देन आप धीरे धीरे से सप्लीमेंटेशन की तरफ जाना। ठीक है, सो आपने ऐसे करना है, आप अपनी कैलोरी इंटेक बढ़ाइए, पहले पहले से ज़्यादा खाना शुरू कीजिए, उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करोगे ऑब्वियसली बात है आपकी भूख भी बढ़ेगी, एपेटाइट बढ़ेगी, तो उसके लिए आपने क्या करना है, धीरे धीरे आपने, जैसे आपका वेट गेन हो रहा है ना तो ऑब्वियसली आपका BMR भी चेंज होगा, BMR भी बढ़ेगा, आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, नॉर्मली जो मेंटेनेंस कैलोरीज है वो बढ़ेंगी जैसे आपका वेट बढ़ेगा, उसके लिए आपने धीरे धीरे ग्रेजुअली हर वीक के हिसाब से आपने कैलोरीज बढ़ाते रहना, पहले से थोड़ा ज़्यादा खाना शुरू कर देना। एक और फैक्ट है, खाने से ज़्यादा पीना ईजी होता है हमारे लिए। ठीक है, सो ट्राई करो, आप शेक्स ऐड कर सकते हो, जैसे होते ही हैं नॉर्मल अपने शेक, ओट्स वगैरह, ओट्स, पीनट बटर, चीकू, बनाना, डेट्स, इन सबको मिलाकर अगर आप प्रोटीन ले रहे हो तो प्रोटीन ऐड कर सकते हो, अदरवाइज विद एग्स यू कैन गो, उसके अलावा आप पनीर ऐड कर सकते हो अलग में शेक के साथ। ठीक है, तो इन सब पे आपकी हेल्प होगी, पनीर जो है वो भी एक गुड सोर्स ऑफ फैट है, तो फैट से आपको ज़्यादा कैलोरीज मिलेंगी, इट इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो आपको अमीनो एसिड सारे पूरे मिलते हैं अपने पनीर में, सो आप वो भी ऐड कर सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी हो। उसके बाद आ जाते हैं हम सप्लीमेंटेशन पे,
डाइट के रिलेटेड ही है ना सप्लीमेंटेशन आ गया। अगर आप शुरू करना चाहते हो सप्लीमेंट्स, तो पहले आप डाइट लो, डाइट में आप इम्प्रूवमेंट करो। जब आपको पता लग गया डाइट से रिजल्ट मिल रहा है, आप कुछ ऐड करने का टाइम आ गया, देन ओनली आप क्रिएटिन ले सकते हो। क्रिएटिन आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है, वो आपके मसल ग्लाइकोजन में वाटर फिल करता है, मतलब आपके मसल हाइड्रेट्स होते हैं, हाइड्रेट हो जाते हैं ज़्यादा, तो आप आपका स्टैमिना बढ़ता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आप एक्सरसाइज ज़्यादा करते हो और उससे आपकी भूख भी बढ़ेगी, ठीक है। ऑब्वियसली आप अच्छा मसल गेन करोगे जब आप अच्छी एक्सरसाइज करोगे, तो ये चीज़ें ऐड कर लो। उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी हो तो आप गेनर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो बंदा डाइट नहीं ले सकता, जिसके पास टाइम नहीं है और बहुत ज़्यादा स्किनी है, वो अपनी गेनिंग जर्नी को बूस्टअप करने के लिए स्टार्टिंग में गेनर यूज़ कर सकता है। देन वो अपनी मेंटेनेंस कैलरीज को जब समझ जाएगा, उसको पता लग जाएगा मैंने इतनी कैलरीज लेनी है, तो वो डाइट के थ्रू भी पूरा कर लेगा। उसके बाद आप प्रोटीन सप्लीमेंट की तरफ मूव कर सकते हो अगर आप वेजिटेरियन हो तो, या आप अगर डाइट के थ्रू नहीं पूरा कर पा रहे तो, ठीक है। तो यही सारी टिप्स हैं आपके लिए, तो इनको ध्यान रखें। उसके बाद आ जाते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, नॉर्मल है सिंगल मसल भी अगर आप लगाओगे अच्छे तरीके से, ब्रेक डाउन करोगे उसको, तो इट्स गुड, ठीक है। अदरवाइज अगर आप पुश पुल लेग कर सकते हो ट्वाइस इन अ वीक, जो मेजर आपके मसल हैं आपने उनको ट्रेन करना है, जैसे चेस्ट हो गई, शोल्डर हो गए, बैक या लेग्स, ठीक है। छोटे मसल जैसे फोर आर्म काफ्स वगैरह होगी, सिंगल टाइम भी बहुत है, ठीक है। एब्स हो गए, सिंगल टाइम से चलेंगे वो, बट आपने जो मेजर मसल है वो टू टाइम करने हैं। जैसे आप सबको पता होगा, आप यूट्यूब देखते हो कि जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं, कंपाउंड मूवमेंट्स करते हैं, जैसे कि बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्क्वाट्स, तो हमारा लेग्स ट्रेन करते हैं हम बेसिकली, तो हमारा टेस्टोस्टेरोन जो है बॉडी का वो नेचुरली बढ़ता है, ठीक है। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो मेक श्योर करो ये तीन मूवमेंट्स अपनी एक्सरसाइज रूटीन में ऐड करने ही करने हैं। उसके बाद रेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, जो सभी बंदे निगलेक्ट कर देते हैं, रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक्सरसाइज अच्छी कर रहे हो, ठीक है। चेक, उसके बाद आप डाइट ले रहे हो, उसके बाद आप सप्लीमेंटेशन भी ले रहे हो, बट आप अगर रेस्ट नहीं ना कर रहे हो तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जब आप सोते हो, जब आप प्रॉपर रेस्ट लेते हो, आप स्ट्रेस में नहीं होते, आपका कोर्टिसोल लेवल डाउन होता है, उसके बाद आपका सोते टाइम पे HGH सिक्रीट होता है बॉडी में से, तो वो आपकी जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करता है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ साउंड स्लीप। तो आपने सोना अच्छे तरीके से है, 7 से 8 घंटे की नींद आप लो डेली की। उसके बाद अपने माइक्रोन्यूट्रेंट को भी चेक करो, आपके टेस्ट वगैरह आप करवा सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है रिलेटेड टू शुगर एंड ऑल, तो उस हिसाब से चल रहा है आपने, ठीक है। बाकी आप देखते हैं, बाकी मिलते हैं भाई।